नमस्कार, हमारी खास पेशकश में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 21 दिसंबर को चुनाव होगा जबकि मतगणना 24 दिसंबर को होगी। वहीं नामांकन की प्रक्रिया 30 नवंबर से शुरू हो जाएगी। राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर राम सिंह ने आज चुनाव तारीखों का ऐलान करते हुए कहा कि प्रदेश भर में आज से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। अगर कहीं किसी भी जगह पर आचार संहिता का उल्लंघन पाया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि फिलहाल 151 निकायों में चुनाव हो रहा है और इसमें 10 नगर निगम, 38 नगर पालिका और 103 नगर पंचायत शामिल हैं। उन्होंने बताया कि नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा और कोंडागांव, कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर और सुकमा में मतदान सुबह 7 बजे से 3 बजे और अन्य स्थानों पर सुबह 8 से 5 बजे तक होंगे। ऐसे में आज चर्चा निकाय चुनाव के शंखनाद के इसी मुद्दे पर। पहली बार राज्य में ऑनलाइन निर्वाचक नामावली तैयार की गई है और इस बार पार्षदों का नामांकन फॉर्म ऑनलाइन भरे जाएंगे। वहीं मतदाता सूची भी ऑनलाइन है और चुनाव आयोग की आईटी टीम ने वेबसाइट बनाई है। प्रदेश में कुल 5,406 मतदान केंद्र पर 40 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और इन मतदान केंद्रों पर 21,000 मतदान कर्मी तैनात किए जाएंगे। प्रदेश में कुल 2,840 वार्डो में मतदाता पार्षद चुनेंगे। और इधर चुनाव तारीखों के ऐलान के साथ ही राजनीतिक दलों में सरगर्मियां भी बढ़ गई हैं। कांग्रेस और भाजपा के साथ जनता कांग्रेस भी निकाय चुनाव के लिए तैयार है। 2014 में हुए चुनाव पर नजर डालें तो नगर निगम में कांग्रेस और भाजपा के बीच मुकाबला बराबरी का रहा था, लेकिन इस बार निकाय चुनाव में दो कारणों से बेहद महत्वपूर्ण हो क्योंकि दो बड़े बदलाव इस चुनाव में हुए हैं। पहला ये कि इस महापौर और अध्यक्ष पद के लिए अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव हो रहा है इसमें। वहीं इस बार चुनाव ईवीएम की जगह पर बैलेट पेपर से हो रहा है, लिहाजा इस बदली हुई प्रक्रिया का फायदा किस दल को होगा यह परिणाम बताएगा। वहीं सत्ताधारी दल कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा ये अवसर भी है जबकि एक बड़ी चुनौती भी। 7 तारीख को ठीक 10 बजे स्कूटी का काम प्रारंभ हो जाएगा पूरे राज्य में। वापसी की तारीख अभ्यर्थिता वापसी की तारीख 9 दिसंबर 3 बजे तक 9 दिसंबर 3 बजे तक अभी हम आपको देंगे भी, वो हमारे लोग लेके आ रहे हैं अभी, आपको सबको देंगे, पूरा फोल्डर देंगे। निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी की सूची का प्रकाशन, लिस्ट ऑफ कंटेस्टिंग कैंडिडेट फाइनलिस्ट, ये 9 दिसंबर को ही विड्रॉल के बाद अभ्यर्थिता वापसी के तुरंत बाद स्थिति का आवंटन होगा और अंतिम सूची तैयार हो जाएगी। मतदान की तिथि डेट ऑफ पोल 21 दिसंबर रात 8 बजे से 5 बजे तक 21 दिसंबर, एक इसमें एक पैरा और है, 21 दिसंबर को रात 8 बजे से 5 बजे तक उसमें कोंडागांव, नारायणपुर, कांकेर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर में स्थित नगर पालिकाओं के लिए 21 दिसंबर को ही सुबह 7 बजे से शाम को 3 बजे तक, इसमें 1 घंटा हमने पहले किया है, वो 1 घंटा वहाँ 2 घंटे कम किया है, 7 से 3। डेट ऑफ काउंटिंग 24 दिसंबर एक ही चरण में होगा। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए रायपुर स्टूडियो में मौजूद हैं धनंजय ठाकुर, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, और साथ साथ कुणाल शुक्ला जी हैं सामाजिक कार्यकर्ता, और रविकांत कौशिक जी हैं वरिष्ठ पत्रकार। रविकांत जी, सबसे पहला सवाल आप ही से है कि जिस तरीके से देखा जाए चुनाव निकाय चुनाव की तारीख है उनका ऐलान कर दिया गया है और 24 तारीख को परिणाम भी उसके आ जाएंगे, काउंटिंग शुरू हो जाएगी, इन निकाय चुनाव को आप कैसे देखते हैं जो आज जिस तरीके से तारीखों का ऐलान किया गया, एक चरण में ही चुनाव होंगे और उसके बाद 24 तारीख को इसका ऐलान हो जाएगा? जी, चुनाव तो चुनाव होता है, चुनाव तो चुनाव लड़ने वालों के लिए एक बड़ी चुनौती है और निश्चित रूप से कार्यक्रम की घोषणा की तिथि को लेकर के कई प्रकार के संशय की स्थितियां थी और चुनाव आयोग क्या कर रहा है, कब घोषणा करेगी, उस विषय का पटाक्षेप भी हो गया और अब एक बड़ा चुनाव का दौर आ गया है और ये नगरीय निकाय का चुनाव है जिस चुनाव में
विधानसभा और लोकसभा के तुलना में ज्यादा मतदाता निकलते हैं और इसमें मतदान का प्रतिशत भी बढ़ता है और इसमें सीधे वार्ड के लोग, मोहल्ले के लोग अपने बीच के अपने साथी को ही पार्षद व अपनी शहरी सरकार का प्रतिनिधित्व चुनते हैं। शहरी सरकार बहुत महत्वपूर्ण सरकार होती है, इसकी कल्पना राजीव गांधी के दौर पर बहुत अच्छे से की गई थी, परंतु हिंदुस्तान के वर्तमान राजनीतिज्ञों ने चाणक्य बुद्धि लगा करके वोट बैंक पॉलिटिक्स के अंतर्गत अपने अपने स्वार्थ इसमें इतने सारे संशोधन करके इसका इतना मटिया मेट किया है, हम उसकी मटिया मेट का कितना बढ़िया परिणाम आता है हम उनके विवेक पर छोड़ देते हैं। हम ज्यादा इनकी आलोचना करेंगे तो ये तो इतने मोटी चमड़ी के हैं कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मैं तो ये कहूंगा कि बहुत पवित्र मन से, साफ हाथों से, नेक नियत से ये शहरी सरकार और ग्रामीण सरकार की कल्पना महात्मा गांधी और राजीव गांधी ने की थी और अच्छा होता कि तंत्र और तंत्र चलाने वाले लोग उस समय की कल्पना को आज साकार करते। आज जो है जब हम चांद पर जा रहे हैं तो चुनाव आयोग और सरकार उस कुछ मुद्दों को लेकर के बैकफुट पर पे जा रही है, ये उनके विवेक पर हम छोड़ते हैं, हम उसके विवेक पर ज्यादा आलोचना वगैरह नहीं करेंगे, परंतु कुछ चीजें जरूर हैं कि लोगों के मन में सवाल है और कुछ चीजों को लेकर शंका और कुशंका है। यदि सरकार पूर्णतः पारदर्शी होने की बात करती है, राजनीतिक दल पूर्णतः पवित्र और साफ मनों से राजनीति करने की बात करते हैं, तो उनको चाहिए कि जिस जनता के लिए वो सरकार बनाने की काम कर रहे हैं, जिस जनता के लिए जनसेवक के रूप में आ रहे हैं, उन सेवा जो उन जनता के लिए कहीं पर कोई पर्देदारी भी नहीं रखना चाहिए। ये अगर सरकारें करती हैं और तंत्र अगर करती हैं तो बहुत अच्छा होता, नहीं तो फिर इनकी करनी और करनी में कहानी का अंतर स्पष्ट रूप से इस प्रदेश की जनता और मतदाता देख रही है। अब राजनीतिक दलों की चुनौती है क्योंकि जनता इन्हीं 5 साल की इनकी विसंगतियों और इनकी उपलब्धियों को ध्यान में रख करके अपने पार्षद का चुनाव करती है। बिल्कुल कौशिक जी, मोटी चमड़ी से तात्पर्य क्या था या किससे था? मोटी चमड़ी का तात्पर्य सीधे ये था, पूरी राजनीतिक दलों के लिए और तंत्र के लिए था, बहुत अच्छी अच्छी योजना बनती है परंतु इन योजनाओं का कई बार हवा कौन निकालता है? यही लोग निकालते हैं, कोई दूसरा नहीं निकाल सकता। मेरा उसी से सीधा तात्पर्य था। ठीक है, चलिए कुणाल जी, जिस तरीके से देखा जाए इस बार काफी बदलाव हुए हैं, या तो फिर इनके ठीक है दोनों ही बदलाव से एक बैलेट पेपर से पार्षद अध्यक्ष या फिर महापौर को चुनेंगे, जिस तरीके से ये किया गया है दोनों ही तरीके से बहुत कुछ दोनों ही तरीकों से आप इसे कितना इत्तेफाक रखते हैं और कहां तक ये दोनों सही थे एक सामाजिक कार्यकर्ता की दृष्टि से देखा जाए? देखिए स्पष्ट रूप से मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं व्यक्तिगत रूप से हमेशा से ईवीएम मशीनों का विरोध करते रहा हूं। अगर देश के 13 राजनीतिक दल ईवीएम मशीनों का विरोध कर रहे थे, उस पर आपत्तियां दर्ज करा रहे थे, तो सिर्फ एकमात्र भारतीय जनता पार्टी इसके समर्थन में क्यों थी, ये बहुत बड़ा सवाल प्रश्न हमेशा उत्पन्न होते रहा और मतदाता भी यह जानने के लिए इच्छुक था कि क्यों सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही ईवीएम मशीनों के समर्थन में है, बाकी सभी दल अगर विरोध कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने उसका समाधान क्यों नहीं निकाला। साफ तौर से जब भारतीय जनता पार्टी ईवीएम के अगर मैं बात करूं तो एक समय विरोध में रहा करती थी, मैं उस समय भी ईवीएम मशीनों के विरोध में खड़ा था और आज जब भारतीय जनता पार्टी ईवीएम के समर्थन में खड़ी दिखती है और मैं तब भी ईवीएम की मशीनों के विरोध में खड़ा दिखता हूं। और खासतौर से मैं अगर विकसित देशों की बात करूं, विकासशील देशों की बात करूं, जापान की बात करूं या अमेरिकी चुनाव की बात करूं या यूरोप में जो चुनाव हो रहे हैं वो कहीं से भी जो है ईवीएम मशीनों के द्वारा नहीं हो रहे हैं, वो साफ तौर से बैलेट पेपरों के द्वारा हो रहे हैं। तो अगर किसी घर के एक परिवार के सदस्य को आपत्ति होती है तो हम उसकी समस्या सुनते हैं और समस्या का निदान जो है निकालने की कोशिश करते हैं। ये ऐसा नहीं होता कि मुखिया का जो डिसीजन है वही थोपा जाता है, तो भारतीय जनता पार्टी को इसमें एक प्रकार से जो निर्णय थोपा पूरे देश पे, विधानसभा पे, लोकसभा चुनाव पे, वह कहीं से भी उचित नहीं था और मैं हमेशा से इस बात का समर्थन करता हूं। और मैंने इस बात का स्वागत किया कि हाँ आज ये ठीक हुआ कि प्रदेश में बैलेट पेपरों से चुनाव हो रहा। रही बात आपका दूसरा जो बिंदु है कि अब पार्षद ही महापौर चुनेंगे, पार्षद ही जो है नगरीय निकाय जो पालिका है उसका अध्यक्ष चुनेंगे, तो देखिए यह विशुद्ध रूप से राज्य सरकार के ज्यूरिडिक्शन में था, न्यायिक क्षेत्र में था, राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया और इसका स्वागत होना चाहिए। एक प्रकार से जब चुने हुए विधायक मुख्यमंत्री चुनते हैं, अगर चुने हुए लोकसभा सांसद जो है प्रधानमंत्री चुनते हैं, तो अगर चुने हुए पार्षद
अगर अपना महापौर स्वयं चुने, अपने बीच के व्यक्ति को चुने, तो इसका स्वागत होना चाहिए। इसमें कहीं से भी राजनीति नहीं होना चाहिए और स्पष्ट रूप से यह भी एक चुनावी प्रक्रिया है और ये विशुद्ध रूप से एक संवैधानिक तरीका है जो लागू हुआ है और मैं इसका स्वागत करता हूँ। ठीक है, पहले अगर जनता चुनती थी तो उसमें अगर इसमें क्या खामी थी अगर देखा जाए तो? हालांकि इसमें जैसे कि आप कह रहे हैं कि दिक्कत इसमें भी नहीं है, क्योंकि वही जो प्रक्रिया जो चाहे वो प्रधानमंत्री चुनने की हो चाहे मुख्यमंत्री चुनने की, तो भाई महापौर या फिर नगर पालिका अध्यक्ष चुनने की हो रही है। लेकिन अगर पहले जनता चुनती थी तो उसमें किस तरीके की कमियां या फिर नाकामियां दिखती थी? देखिए, खामियां उसपे भी नहीं थी, खामियां इसपे भी नहीं है। मैंने तो दोनों ही जो है कार्यप्रणाली उनका स्वागत किया और मैंने स्पष्ट रूप से ये राज्य सरकार के स्वविवेक में डाला है इसको कि राज्य सरकार जैसा निर्णय लेना चाहे वो निर्णय ले सकती है। राज्य सरकार अगर चाहती तो सीधे प्रत्यक्ष रूप से महापौर का चुनाव करवा सकती थी। राज्य सरकार अगर चाह रही है कि जो चुने हुए पार्षद हैं वह अपना महापौर अपने बीच के व्यक्ति का के रूप में चुने तो इसका भी स्वागत होना चाहिए। मुझे दोनों ही प्रणालियों पर आपत्ति नहीं थी और दोनों को ही मैं एक लोकतांत्रिक प्रणाली मानता हूं और स्वागत योग्य है ये। बिल्कुल धनंजय जी, अब ऐसे में क्योंकि पार्षदों के पास अब ताकत ज्यादा आ गई है, पावर भी ज्यादा आ गई है, तो अब ऐसे में पार्षदों का जीतना बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण किसी भी पार्टी के लिए हो जाता है। तो अब एक साल हालांकि आपको वक्त हुआ और जब ये हाल ही में उपचुनाव हुए हों, चाहे विधानसभा चुनाव हुए हों, लोकसभा को हटा के बात की जाए तो काफी अच्छा प्रदर्शन रहा कांग्रेस का। उसके बाद एक साल का आपको वक्त भी मिला जिसमें आपने कई योजनाएं शुरू की और जमीन तक पहुंचाने की जद्दोजहद भी की, तो क्या लग रहा है कि अब जो निकाय चुनाव आने वाले हैं इसमें परिणाम किस तरफ रुख बदल सकते हैं? देखिए भारद्वाज जी, अभी जो नगरीय निकाय के चुनाव जो आज आचार संहिता घोषित हुआ है, अधिसूचना जारी हुई है, तो आप देखेंगे कि जब कांग्रेस पार्टी राज्य में विपक्ष में थी और राज्य भारतीय जनता पार्टी सत्ता में थी, उस दौरान भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के दम पर हमने एक अच्छा प्रदर्शन किया है और नगरीय निकाय के जनता के लिए एक अच्छी योजना हम चुनाव के माध्यम से लेकर गए जिसमें जनता ने विश्वास किया और जनता ने कांग्रेस के परिषद को चुना है। आप देखेंगे पूर्व के नगरीय निकाय चुनाव के दौरान जो 10 नगर निगम है उसमें से 6 नगर निगम पे कांग्रेस की परिषद रही है, लगभग 20 नगर पालिका में कांग्रेस की परिषद है और 52 नगर पंचायत पे कांग्रेस की परिषद है। तो कहीं ना कहीं जनता पूर्व में कांग्रेस भरोसा किया है और अभी तो हम सरकार पे हैं और वो सरकार माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार जो लगातार जनता के हित के लिए काम कर रही, चाहे हम किसानों की बात कर लें, युवाओं की बात कर लें, महिलाओं की बात कर लें, या शासी कर्मचारियों की बात कर लें, या नगर के विकास की बात कर लें, या गंभीर समस्या जो भारतीय जनता पार्टी सरकार के दौरान जब कांग्रेस से परिषद जो है उस समस्या को लेकर सरकार से मदद मांगती थी पूर्व सरकार से, तो उस दौरान किस प्रकार से एक दलित भेदभाव के चलते उस काम को अटकाया जाता था, उन सभी कामों को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार ने बिना किसी भेदभाव के सभी नगर निगम को दिया है, जहाँ कांग्रेस परिषद वहां भी दिया है, जहाँ भारतीय जनता पार्टी परिषद वहां भी दिया है। और आप देखेंगे उसके परिणाम आपको हमको इस चुनाव मिलेंगे और पिछले जो रिकॉर्ड है हमारे जीत के उस रिकॉर्ड को इस बार हम तोड़ेंगे और बहुत ज्यादा नगर निगम की सीटों पर जीतेंगे, नगर पालिका सीट जीतेंगे, नगर पंचायत हम जाएंगे जीतेंगे। मतलब एक अच्छा खासा कॉन्फिडेंस है ये कहा जा सकता है कि जो काम किया है उस पर भरोसा है। कौशिक जी, जिस तरीके से देखा जाए बीजेपी जहां आरोप लगाती रही है कि इससे पार्षदों की खरीद फरोख्त बढ़ जाएगी और पैसा का इस्तेमाल ज्यादा होगा, तो इसमें सच्चाई क्या है? जबकि एक तरीके से देखा जाए जो आरोप को भी निराधार नहीं कहा जा सकता। पैसा आज की राजनीति में कौन पवित्र है जरा खोजना पड़ता है दिया लेकर के। अब दिया छाप से जनसंघ, जनसंघ से उसके बाद कमल का फूल आ गया, कमल के फूल के बाद भी ब्यूटीफुल कहीं नहीं है, राजनीति पवित्र नहीं रह गई आज तो। ऐसे युग में किसको किसके आरोप और किसके बिना आरोप पर बताएं, महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटक, हरियाणा से लेकर पंजाब तक क्या क्या हो रहा है। इसलिए इस विषय पर अब इन लोगों से नैतिकता की बात को लेकर के उनसे कोई उम्मीद करना, मतलब सिर्फ मतलब जो है नहीं, भाजपा से खपा वाली बात नहीं, आज का जो वातावरण है मैं उसको बोल रहा हूँ, आज जो वातावरण है मैं उसको बोल रहा हूँ। आपको ऐसा ना लगे है ना, आपने बुलाया इसलिए नहीं बुलाया कि मैं भाजपा का तरफ बोल रहा हूँ या भाजपा के विरोध में बोल रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल नहीं। लेकिन जिस तरीके से आप बात रख रहे हैं तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं भाजपा से खपा है। आपने टिप्पणी की उससे जी नहीं, भाजपा से खपा नहीं, जो चीज सिस्टम जो है, मेरा ये कहना है कि संविधान से ऊपर कोई नहीं है, वो कोई सब कोई राजनीतिक पार्टी नहीं, मैं भी, और हम सबकी दायित्व है कि हम संविधान के दायरे पे रहकर संविधान का सम्मान करते हुए समाज और राष्ट्र हित में काम करें। और अगर जो आदमी ये काम नहीं करता वो जी
सबसे बड़ी चीज है। और आज जो हो रहा है देश में परिदेश में वो क्या है, कांग्रेस ने जिस चीज को जन्म किया, जिसकी चीज की आलोचना भाजपा करती रही है, उसी चीज को भाजपा भी अपना रही है। तो कांग्रेस और भाजपा का राष्ट्रीय डीएनए करा लिया, चीफ टेस्ट करा लिया, किस प्रकार का राज्य सरकार वादों से मुकरते हैं ये दिख जाएगा। कोई आजकल कोई राजनीतिक दल इस मामले में पाक साफ पवित्र नहीं बचा है। नहीं तो मेरे सवाल था कि इसमें किस हद तक की जो ये आरोप लगाए जा रहे हैं, किस हद तक क्या वाकई इसमें इतना ज्यादा देखने को मिलेगा खरीद फरोख्त का नजारा कि जिस तरीके से पार्षद, जाहिर सी बात है पार्षदों के ऊपर सब कुछ निर्भर करने लग गया है, तो क्या पार्षद का जो खरीद फरोख्त की बात कही जा रही है वो एक मुद्दा है बीजेपी के पास, मैं उसके बारे में जानना चाह रहा था कि वाकई ऐसा होगा। देखिए देखिए ये अप्रत्यक्ष जो अप्रत्यक्ष प्रणाली से अप्रत्यक्ष प्रणाली और अप्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष प्रणाली जो लाई गई थी वो कई विसंगतियों को देखते हुए लाई गई थी। मैं आपको बता दूं, मैंने इसी रायपुर में एक कांग्रेस के महापौर को नगर निगम के लिए राज्य के मुख्यमंत्री के सामने अपनी पगड़ी रखनी पड़ी थी। इतना बड़ा दुर्भाग्य कि हमारे नगर का प्रथम नागरिक पैसे के लिए अपने ही दल की सरकार के सामने पगड़ी उतार करके मांगे, ये कौन सा न्याय हुआ, ये कौन से निकाय चुनाव का बात हुई। और फिर नगरी निकाय में जो जो हम लोगों ने कई बार जो देखा है कि पार्षद किस प्रकार से महापौर अध्यक्ष पालिका अध्यक्ष के साथ में किस प्रकार से व्यवहार करते रहे, और ये जो सिस्टम प्रत्यक्ष प्रणाली का जो आया और उसमें उसके बाद क्या परिवर्तन आया था, वो कई चीजें हैं। और फिर पार्षद जो चुनता है और पार्षद की सोच कितनी दूर की होती है और नगर निगम की सोच और नगर पालिका की सोच और जो नगर पंचायत की जो सोच होती है, जो पूरे नगर को लेकर के जो सोच होती है, वो निश्चित रूप से अंतर होता है। इसलिए जो विसंगतियां थी वो विसंगतियों को दूर करने के लिए नई प्रणाली को सारे लोगों ने अडॉप्ट किया था, कोई एक अकेले किसी दल ने अडॉप्ट किया। समय के अनुसार परिवर्तन कर रहे हैं, ठीक बात है, जिसके पास सत्ता है उसके अधिकार है, वो अपने अधिकार का उपयोग कर रही है, परंतु ये गारंटी कोई लेना कि 5 साल वो पार्षद जो है अपने महापौर को ब्लैकमेल नहीं करेंगे, अपने महापौर को नियंत्रण के बहाने पर कुछ कुछ वो नहीं कराएंगे जो करना चाहिए और जो वो जो करना चाहिए वो नहीं करेंगे, इसकी कोई गारंटी होगी क्या? शहरी सरकार और ग्रामीण सरकार की कल्पना सिर्फ महात्मा गांधी और राजीव गांधी की उसी सोच में हुई थी कि सत्ता का विकेंद्रीकरण हो, सत्ता पे ज्यादा से ज्यादा लोगों की भागीदारी हो और अच्छी योजनाओं के साथ अच्छा क्रियान्वयन हो और जनता को अच्छी सेवाओं का लाभ मिले। परंतु उसके बाद जो संशोधन के ऊपर संशोधन, संशोधन के ऊपर संशोधन करके उसकी किस प्रकार धज्जियां उड़ाई गई और कितना उसको स्वर्णिम युग में लाया गया, ये हम राजनीतिक दलों के ऊपर छोड़ देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जनता तो भोगी है बेचारी, जनता तो है ही है, वोट देने के बाद भोगने के लिए तैयार। हाँ, वो हमेशा से यही होता रहा है। कुणाल जी, जिस तरीके से देखा जाए कि अब तक तो चलो जनता महापौर को चुनती थी, तब भी पार्षद महापौर की कहाँ सुनते थे, लेकिन अब तो पार्षद ही महापौर को चुनेंगे तो अब जाहिर सी बात है पार्षद की अब जो उनकी पावर बढ़ रही है तो वो महापौर की कहाँ सुनने वाले हैं, अगर ऐसा ही रहा तो। नहीं, वैसे देखिए जाए तो जो नगरी निकाय अधिनियम है उसमें महापौर को कुछ विशेष शक्तियां नहीं थी, महापौर कहीं ना कहीं से जो राज्य सरकार जो है उससे बंधा हुआ था, महापौर के पास अपनी शक्तियों को इस्तेमाल किए जाने की बहुत सी रोक थी, तो मुझे लगता है कि अब वह रोक जो है और हावी हो जाएगी और बहुत से कद्दावार जो है पार्षद अब हमको इन नगरी चुनाव में देखने मिलेंगे। मैं यहाँ तक कि मैं राजधानी रायपुर की बात करूँ कि जो लोग विधायक रह चुके हैं, जो लोग कभी मंत्री रह चुके हैं, वह भी अब पार्षद चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर वो पार्षद चुनाव जीत जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं से महापौर पद की दौड़ में शामिल हो जाएंगे। तो राजधानी रायपुर के ही 70 वार्डों में करीब 20 ऐसे कद्दावार चेहरे देखने मिल जाएंगे कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी से, जो कभी पार्षद से कहीं ऊंचे पदों में जिन्होंने काम किया और वो पार्षद अब बनने के लिए इच्छुक है क्योंकि उनको महापौर की कुर्सी दिख रही है। और ऐसे लोग अगर निगम में चुन के पार्षद आते हैं तो निश्चित रूप से जो भी महापौर रहेगा उसकी नाक में यह लोग दम किए रहेंगे, उसको खोलकर काम करने नहीं देंगे। तो मैं आपकी इस बात से 100% सहमत हूँ कि महापौर अब हमको और भी बंधा हुआ दिखेगा। जाहिर है धनंजय जी, जिस तरीके से देखा जाए शहर भी आपका, अदालत भी आपकी और नियम भी आपके, तो जिस तरीके से देखा जाए सत्ता भी आप ही की है और नियम जो आप चाहते थे हमेशा से, जिसका विरोध करते रहे थे कि और जो आपके मैनिफेस्टो में था कि हम आके बदलाव करेंगे, वो आपने किए। तो ऐसे में अब जिस तरीके से देखा जाए, तो परिणाम जिस तरीके से देखा जाए क्या निकलने वाले हैं,
क्योंकि जब आप कह रहे हैं कि आपने जिस तरीके से जो बनाई है नीतियां वो जनता तक पहुंची हैं, तो क्या इससे एक दो चीजें हो जाएंगी? इससे एक तो पूर्ण रूप से बीजेपी का जहां एक लास्ट चुनाव बने, फिर पांच साल चार साल तक बीजेपी बैठने वाली है जिस तरीके से देखा जाए, तो अब ऐसे में एक बड़ा मौका है ये भी साबित करने की एक साल तक हमने देखो क्या काम करके दिखाया, और दूसरी चीज जो आप चाहते थे वो भी पूरा हो जाएगा, कितनी अहमियत है? देखिए, निश्चित तौर पर मैंने पहले ही कहा है कि जो नगरीय निकाय के जो चुनाव है उसमें पिछले बार भी कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया है और इस बार भी अपने कार्यकर्ताओं के दम पर अच्छा प्रदर्शन करेंगे। इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार ने जो जनहित के फैसले लिए हैं जिसका सीधा सीधा लाभ छत्तीसगढ़ के आम जनता को मिला है, चाहे नगरीय निकाय क्षेत्र के हो, नगर पालिका के क्षेत्र के हो। अब देखेंगे आदिवासी क्षेत्रों में जो उनके उपज के जो 2500 रुपए दाम बढ़ाकर मानक तेंदुपत्ता का 4000 किया गया, 15 वनोपज को दाम समर्थन मूल्य खरीदने की नीति तय की गई है, युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था की गई है, जाति प्रमाण पत्र का सरलीकरण किया गया है, बिजली बिल हाफ की गई है। आप देखेंगे 10 महीने सरकार के दौरान किसी प्रकार का टैक्स में वृद्धि नहीं किया गया है, ना ही विकास कार्यों के नाम से किसी के घर को या किसी के मकान को तोड़ने काम किया गया है। तो निश्चित तौर पर सरकार जो है वो जनता के विश्वास में अभी तक खरा उतर चुकी है और छत्तीसगढ़ जनता मान चुकी है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार वो सरकार है जो बात नहीं करती है, जो काम करती है और हर वर्ग का ख्याल रखती है। तो निश्चित तौर पर इसका लाभ हमको मिलेगा और हमारे कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है, जनता के बीच जो कार्यकर्ता हमारे जा रहे हैं, जनता का रिस्पॉन्स उसको मिल रहा है। इसके बाद आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी तो जनता के बीच अभी तक उतर नहीं पाई है, उनको तो वार्ड क्षेत्रों में और नगर पालिका क्षेत्रों में उनको तो प्रत्याशी नहीं मिल पा रहा है, वो अभी तक अपने जिला अध्यक्ष तय नहीं कर पा रहा है, इतनी उनके सिर्फ फुटबॉल की नौबत है। उनके कार्यकर्ताओं और नेताओं में आप देखेंगे जो एक दूसरे के प्रति बाहें जो हमेशा ताने खड़े हुए हैं, इसके बाद भारतीय जनता पार्टी तो मैदान में उतर नहीं पा रही है। और किसानों का जो विरोध अभी भारतीय जनता पार्टी कर रही राज्य में, जिस किसान के हित की बात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार कर रही है, उसका भी विरोध करने काम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया है, इसका भी बहुत गंभीर परिणाम भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा यहाँ पे। और किसान जो है छत्तीसगढ़ का लगभग 80-85% क्षेत्र जो किसानी के क्षेत्र पर आधारित है, हर कोई किसान परिवार संबंधित है, और किसानों का अगर नुकसान हुआ है भारतीय जनता पार्टी के कारण तो उसका आक्रोश का परिणाम यहाँ पे भुगतने पड़ेंगे उनको। कौशिक जी, अगर बीजेपी के लिए देखा जाए यहाँ बड़ी चुनौतियां अगर देखने को मिल रही है, क्योंकि पहली उपचुनाव विधानसभा की करारी हार से कार्यकर्ता हताश और निराश दोनों है, ऊपर से अभी जिस तरीके से उनके पार्टी के जो पदाधिकारियों के चुनाव हुए तो काफी मारामारी भी सामने आई, जिस तरीके से प्रतिद्वंदी एक दूसरे के सामने चाहे सांसद विधायक हो तमाम सारी ऐसी चीजें निकल कर आई थी, ऊपर से जिस तरीके से देखा जाए धान खरीदी को लेकर यह कुछ ऐसे वादे थे जिसमें बीजेपी की तरफ से कहीं ना बीजेपी की गलती ही सामने आई, और फिर उसके बाद सवाल ये भी खड़ा होता है कि इस बार बीजेपी ने कोई भी यहाँ पर निकाय चुनाव के लिए न उनके प्रत्याशी कहीं नजर आए, न कोई बड़ा आंदोलन या बड़ा प्रचार प्रसार कुछ देखने को मिला, वो भी देखने को नहीं मिला, तो इसके परिणाम कुछ उस तरीके से ये सन्नाटा है जिस तरीके से पहले उपचुनाव से पहले का था और अब निकाय चुनाव से पहले बीजेपी कहीं नजर नहीं आ रही है। नहीं, अभी ऐसा एकदम से कहना थोड़ा सा बहुत अर्ली स्टेज की बात होगी। इस प्रकार देखा जाए तो कांग्रेस के प्रवक्ता जो है, कांग्रेस के माहौल क्या है, जो है नगरीय निकाय चुनाव में, पंचायती राज चुनाव में जो कुछ माहौल बनता है वो अंतिम 15 दिन में एक हफ्ते में बनता है, और अब जो माहौल का मामला नहीं होता, अब तो मैनेजमेंट का फंडा आ गया चुनाव में प्रबंधन में जो उत्तम होगा, जहां अच्छा प्रत्याशी आएगा और जहां अच्छे प्रत्याशी के साथ में अच्छा प्रबंधन जहां रहेगा, आजकल वो सारी चीजें हैं, तो वो फैक्टर ज्यादा काम करेगा, ना कि हम और जो आप पुराने पद्धति को लेकर के जिस प्रकार की सोच रख रहे हैं और जो प्रकार की तैयारियों की हम जो कल्पना कर रहे हैं वो थोड़ा सा अर्ली हो गया है। मैं तो ये कहूंगा कि इंतजार और सही, उसके बाद सारा कुछ काम आएगा। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के भी बहुत अच्छे दिन नहीं है, कांग्रेस के लिए भी संगठन का ढांचा उनका जो है कितना मजबूत है और कितना नहीं है उसको आत्ममंथन करना चाहिए। दोनों दृष्टि से, दोनों खेमे में संगठन जो है अपेक्षित रूप से जैसा जाना जाता है उसके अनुरूप नहीं है, और इसलिए दोनों को ये देखना पड़ेगा। अभी तो कांग्रेस के अंदर क्या है, मैं और मेरा के आधार पर प्रत्याशी, ये तो प्रत्यक्ष प्रणाली से अगर होता तो महापौर पद के सीधे कैंडिडेट थे, अब बेचारे को पार्षद का देखना पड़ेगा। धनंजय सर साहब को हमारी शुभकामनाएं है, उनके साथ में हम लोग के साथ में बैठे हैं इसलिए, परंतु अंदर का उनका दर्द का हाल कुछ और है, परंतु वो क्या करे जो है बोल नहीं सकते, पार्टी अनुशासन का मामला है। अब मैं अगर कुछ बोलूंगा तो आप बोलोगे कि फिर वाइजा बोल रहे हैं।
मैं वो नहीं करना चाहूंगा। मैं तो जो बात है मैं तो आंखों देखा हाल बता रहा हूँ आपको जो है प्रदेश का। तो ये अभी कुछ भी मामला जो है स्पष्ट नहीं है, परंतु दावे अपने अपने सबके हैं। भाजपा भी कह रही है कि हम अधिक से अधिक सीट जीतेंगे, ईट से ईट बजा देंगे। अब अंदर ही अंदर चल रहा है, कहाँ बजाओगे? अभी तो पार्टी के अंदर का ईट से ईट नहीं बजाए, सब अंदर ही अंदर है, तो कोई ईट से ईट नहीं बजाएगा, मुंह से सब कुछ बजा देंगे। हमारे छत्तीसगढ़ में ये कहावत है कि थूक में बड़ा सब लोग चुरो लेते हैं, तो वो तो बड़ा बन गया, खा भी लिया, चटनी उटनी कौन सी चटनी खाई है उन्हीं लोगों से पूछेंगे। परंतु ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी थोड़ा अर्ली होगा, जरा वक्त है, इंतजार कीजिए, उसके बाद सारे परिणाम सबके दिख जाएगा, सबकी पोल खुल जाएगी, कौन स्मार्ट है आपको पता चल जाएगा। और जिस दिन चुनाव का तारीख आएगा उस दिन देख लेना कि हमारे धनंजय साहब कुछ मामलों को लेकर के इससे ज्यादा फील गुड मुद्रा में नजर आएगी। बिल्कुल, धनंजय जी की मुस्कुराहट बहुत कुछ कह रही है। कुणाल जी, एक अंतिम सवाल आपसे है कि जिस तरीके से कांग्रेस जब से आई है, आपने बीजेपी का शासनकाल भी देखा, शहरों या वार्डों की जो स्थिति थी या जनता की क्या अपेक्षाएं थी, और कांग्रेस सरकार आने के बाद जो वार्डों की स्थिति है या फिर जो जनता की स्थिति है, जो शहरी जनता की बात करें, बिजली पानी जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, उनमें कितना फर्क आया है और इसका बेनिफिट क्या कांग्रेस को मिलेगा? देखिए, निश्चित रूप से कांग्रेस रायपुर नगर निगम की मैं बात करूं तो यहां पे कांग्रेस का के जो मेयर है पिछले 10 सालों से रहे हैं, ये उनका कार्यकाल हाल फिलहाल समाप्त हुआ, परंतु जो छोटी छोटी मूलभूत समस्याएं थी, जैसे कि मैंने खासतौर से हमेशा से नगर निगम का जो पानी जो पाइपलाइन थी वो सड़ी हुई थी, लोगों में बड़े पैमाने पर राजधानी रायपुर में पीलिया फैलता है, और प्रतिष्ठित जो पॉश कॉलोनियां कहलाती हैं वहां पे पीलिया से लोगों की मौत हो जाती है, तो बस्तियों का हाल तो बेहद ही दुरूह था। मच्छरों की बहुत ज्यादा समस्या अभी भी रायपुर में अगर मैं देखूंगा तो है, खासतौर से आवारा कुत्ते और जो पशु हैं वह राजधानी रायपुर की समस्या बने हुए हैं। स्मार्ट सिटी रायपुर अभी तक घोषणा जो केंद्र सरकार ने किया था पूर्णता नहीं हो पा रही। बात है तालाबों में बड़े पैमाने पे कब्जा रायपुर में हुआ, मैं रायपुर के हालात अगर देखता हूं तो रायपुर जहां जहां पे 350 तालाब हुआ करते थे, 100 तालाब उसमें से गायब हो गए, तो नगर निगम को इन व्यवस्थाओं में सुधार लाने की जरूरत थी जो कि नगर निगम द्वारा ला नहीं पाया गया। और मुझे लगता है कि अब हाल फिलहाल सत्ता परिवर्तन हुआ, 10 माह से कांग्रेस सरकार है, अब लगता है कि धीरे धीरे स्थितियों में सुधार होने की उम्मीद हम लोग कर सकते हैं, उम्मीद पे ही सब कुछ टिका हुआ है। बिल्कुल है, सरकार किसी की भी हो, जनता को लाभ मिलना चाहिए, जिस उद्देश्य से जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है उसका उद्देश्य पूरा होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका धनंजय जी, कुणाल जी और अभिकांत कौशल जी, आपके बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से देखा जाए कि अब निकाय चुनाव का शंखनाद हो चुका है और 21 तारीख से वोटिंग होगी और 24 तारीख को परिणाम आ जाएंगे, और उसमें दूध का दूध पानी के पानी हो जाएगा कि कहां कौन सी पार्टी कितना काम कर रही है, एक साल से सत्ता में आई कांग्रेस पार्टी ने आखिर कितना काम किया है, जनता के दिल में कितना राज करती है और जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतरती है, ये भी देखने वाली बात होगी। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।